हाई सैलरी के साथ, और आपको जहाँ भी जिस मतलब जिस जगह आप जाना चाहते हैं, चाहे सऊदी में, चाहे दुबई में, चाहे कुवैत में, किसी भी एयरपोर्ट पे जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आपको किस तरह अप्लाई। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं एयरपोर्ट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें कॉस्ट होगी, क्या सैलरी होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी सैलरी होने वाली है। तो सारा चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, इसमें एक भी रुपया का खर्च होने वाला नहीं है। तो आपको चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर, सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है, तो आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखाते हैं। दोस्तों उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब रखें, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिसमें जॉब के बारे में बताने वाला हूँ वो एयरपोर्ट का जॉब है। इसमें आपका एक भी चार्ज लगने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री आपको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको देखना है, तो मोबाइल की स्क्रीन पे आप चलिए, आप दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें, और आपको कैसे घर बैठे अप्लाई करना है और हाई सैलरी के साथ, और आपको जहाँ भी जिस मतलब जिस जगह आप जाना चाहते हैं, चाहे सऊदी में, चाहे दुबई में, चाहे कुवैत में, किसी भी एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आपको किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह जॉब लेना है, तो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको जो चीज़ लिखना है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले वो मैंने जो पहले से डाल रखा था इसलिए पहले वो खुल रहा है, तो आपको मैं पीछे से करके मैं शुरू से दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में समझने में अच्छी हो। तो आपको देखिए, जैसे आप यहाँ पर डालेंगे इमीडिएट कैरियर्स, देखिए मैं पहले से डाला हूँ, तो आप जैसे इसमें इमीडिएट कैरियर डालते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है इमीडिएट ग्रुप कैरियर्स, तो आपको इसके नीचे आना है, सर्च एंड अप्लाई पे ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे कैटेगरी में आपको जॉब देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें से कोई भी अपने हिसाब से जब काम जानते हैं, जो भी सीखे हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मैं अपना एक करके आपको मैं दिखाता हूँ, एक को थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो सारी चीज़ें इसी तरह आपको करते रहना, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगा, और आपको इस पर जो भी आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। और आप लोग अपने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से कहीं से भी घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आसानी से आपको एयरपोर्ट की जॉब मिल सकती है। तो आपको मैं इसमें दिखा सकता हूँ, ये देखिए इक्विपमेंट ऑपरेटर लाइसेंस तीन लाइट व्हील, तो आपको मैं इस पर ओके करेंगे जैसे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें ऊपर देखिए लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट 29 मई 2023 को है, आपको 29 मई से पहले आपको अप्लाई कर देनी है। और जॉब पर्पस आप देख सकते हैं, जॉब का पर्पस क्या है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या चाहिए, ठीक है, आपका एयरपोर्ट पे जॉब रहेगा, और आपका मैक्सिमम हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको यूएई में ही है तभी आप काम कर सकते हैं, अगर आप जैसे एयरपोर्ट पे अगर उस कंट्री के अगर आदमी नहीं मिलते हैं तो ये लोग बाहर से भी हायर करते हैं, तो आपके पास हैवी ट्रक का लाइसेंस है तो आप आराम से काम करवा सकते हैं। और आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है लगभग 6 महीने, मतलब मैक्सिमम वैलिडिटी 6 महीने की पहले का होना चाहिए, जो आपका मतलब ड्राइविंग का लाइसेंस है 6 महीने पहले का होना चाहिए। इंग्लिश लेवल आपका मतलब 3 होना चाहिए, ठीक है, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छी होनी चाहिए, मतलब मीडियम होनी चाहिए। सैलरी बेनिफिट आपको सारा चीज़ें आपको ईमेल के ज़रिए बताएंगे, जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे इस पे आप अप्लाई के लिए करते हैं तो आपको इस तरह आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लॉगिन, तो आपको यहाँ पे एक नया यूज़र आईडी बनाना है, नया यूज़र आईडी, और आपको यहाँ पे 2 बार पासवर्ड आपको भरना, जो आपको पासवर्ड याद रहे आसानी से मिल जाए, और पासवर्ड को आपको याद रखना कहीं लिख लेना है। जैसे आप यूज़र आईडी पासवर्ड बना के आपको लॉगिन करते हैं, आपको कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा इसी तरह का, लेकिन उसमें आपको बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो पूछेगी कि आपको यहाँ पर क्या क्या भरना है, सारे चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से CV वगैरह और पासपोर्ट और अपना
जो लाइसेंस है उसका और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका, सीवी वगैरह, कवर लेटर, सारा चीज़ आपको भरेंगे उसमें। जैसे आप भर के अच्छे से भरते हैं तो उसके पास अप्लाई करते हैं तो आपको जल्द रिप्लाई मिल जाता है। अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो लोग बोलेंगे। अच्छे से आप अपलोड करते हैं तो उनके पास जाएगा, सारा सीवी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो आपके पास तुरंत आपके फ़ोन पर ईमेल के जरिए आपको बताया जाएगा। आपको ईमेल बार बार चेक करना है, ईमेल के जरिए आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, आपका सारा चीज़ें उसमें बताया जाएगा, बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने पहले बताया कि आपको 29 मई से पहले आपको सारा चीज़ें करना है। तो ये सब दोस्तों थी, अगर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जॉब अच्छा लगा हो तो आप उनसे संपर्क करें, अप्लाई करें, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप इसमें से कोई और भी काम करना चाहते हैं तो आपको वो काम भी कर सकते हैं। आप बहुत सारा जॉब इस तरह का है, आपको आप इनमें से कोई भी जॉब आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत सारा जॉब है। तो आप इस वेबसाइट पे आके सारी जॉब में से कोई भी जॉब आप अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी साइट है ये। तो फ्रेंड, इसमें जो है यूएई की ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। सबसे पहले ये लोग दुबई के लोगों को हायर करते हैं, तब वहाँ पे अगर कोई नहीं मिलता है तो ये लोग दूसरे कंट्री से लोगों को हायर करते हैं। तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, तो आप लोग भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीवी भेज सकते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन होता है, आपको इंटरव्यू मतलब ईमेल आईडी के ज़रिए सारा कुछ आपको बताया जाता है, तो आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहिएगा। तो आपको जैसे आपका जो सैलरी वगैरह होता है, जो भी आपका ड्यूटी वगैरह, कितना काम करना है ड्यूटी में, तो सारा चीज़ें आपको ऑफ़र लेटर में बताते हैं। सैलरी इसमें बहुत अच्छा होता है, सैलरी इसमें लगभग 4,000 से 4,500 दरहम होता है, जो इंडिया का लगभग 90 से 1 लाख। अगर आप उसको एयरपोर्ट पर अगर ओवर टाइम आपको मिलता है तो बहुत ज़्यादा सैलरी आपकी होती है। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।